मैं प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र शिमला स्थित रूप डॉक्टर नरेंद्र राय, जो आज यहाँ जो GIZ द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है, जिसके तहत जो यहाँ पे अब आप फील्ड में हैं, तो जो हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर वेस्टा, तो उनके तहत यहाँ पे जो सबसे सिंपल एंड जिसमें सिंपल टेक्नोलॉजी, जिसमें जो हमारे भारत सरकार में कहते हैं कि बार बार IT के हमेशा बार से मांगते हैं कि जो कि IT है, उनका आपके क्षेत्र क्या इनोवेशन है उसको भेजो, तो उसी की जो प्लान है भी हमारे IT डिपार्टमेंट की, उसमें फाइन मेटेरियल की बहुत अच्छी ढंग से। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारा पानी का कितना अच्छा सोर्स है, जिस सारा मतलब कि आगे बह के उधर से आगे जाओ, मतलब कि बड़े से नदियों में फिर आगे जाके जा रहा, मतलब मेरा यूज़ का नहीं हो रहा था। तो इन्होंने यहाँ आके एक बहुत अच्छा कार्य किया कि यहाँ पे जो सिंपलेस्ट वे है जो उसको लिफ्ट करने का, जो अभी वहाँ पे देखा है, तो जो इनका जो एक्सपेक्टेशन थी अप टू 20 मीटर तक की, लेकिन यहाँ जो देखा कि जब इतना फ्लो अच्छा था, तो जो यहाँ पे जो 30 मीटर तक उठाने में पानी उठाने बहुत कामयाब हुए हैं। तो इसके लिए हम इनका भी बहुत आभारी हैं। इसके जो सदुपयोग यहाँ पर जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो इस पानी का जो यहाँ पे स्टोरेज टैंक बना है, ये टैंक भी हमारे आपका बिल्कुल ड्यूरेबल है और पानी की वेस्टेज कहीं भी नहीं है, और पानी से कैरी किया जा रहा है, और ड्रिप द्वारा जो आप देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारे हिमाचल सबसे प्रॉब्लम क्या है कि पानी के सोर्सेज है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और हमारे जो खेत है वो जल निर्भर हो रहे हैं। तो इसी को देखते कि यहाँ पर पानी लिफ्ट हुआ, और इस ड्रिप द्वारा जो आप देख पा रहे हैं कि हर पौधे को रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंट्रोल एक जगह है, इससे सदुपयोग से क्या होगा, हमारा पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, बीमारी कम आएगी, और क्या होगा आपका कल को फ्रूट की क्वालिटी आपको बहुत अच्छी बनेगी। इसकी मैं भागनी भी भाग हमारे डॉक्टर कौशल मेहता जी, जो यहाँ के एक बहुत ही ऐसे ऑफिसर है जो दिन रात अपने बागरों की सेवा की दिन रात दौड़ रहते हैं, इनके बहुत आभारी हो रही हूँ, इनके प्रयत्न से जो हम आज इस काम तक पहुँचे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि विश्व भी इसी तरह एज ए टीम काम करते रहेंगे। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है सर, जिस तरह से जैसे बोलते हैं जल ही जीवन है, और इसमें जल को संग्रह के लिए वर्ल्ड में बहुत सारी टेक्नोलॉजियाँ यूज़ की जा रही है, और ख़ास करके पहाड़ों में जहाँ नदी नाले हैं, वहाँ पे जल जो है, जो जल हम कभी भी उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे थे, और वो सारा जो सागर में जाके मिल रहा था, तो जो क्वेस्टा की जो टेक्नोलॉजी है, ये कितनी जो कारगर होने जा रही है, होने वाली है आने वाले टाइम में, खास करके हमारा जो छुआरा है, रोडू है, कहीं भी जान नदी लाने, उसको कहाँ देखते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर मेहता जी आप कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारा हिल्स है, या तो पानी का क्योंकि फ्लो जा रहा, पानी के ऊपर से बड़े ग्रेविटी से पानी जा रहा है, हाइट से जा रहा है, वहाँ पानी का फ्लो तो बनेगा। तो ये क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी थी, कि पानी जो जैसे कहा कि अब आगे नदी आगे सागर में जा रहा है, और हम उसको सदुपयोग, देखो नदी के किनारे हमारा यहाँ पे बगीचा है, लेकिन क्या थे उसको सदुपयोग नहीं कर पा रहे थे, पानी जा रहा था लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो इन्होंने जो क्वेस्ट है, उनका आभारी है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी पैकेज दिया है, तो जिससे क्या होगा कि हम इसको आपको पानी को लिफ्ट करने में आप देखोगे कि बड़ी सिंपलेस्ट है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पानी को लिफ्ट एनर्जी, और जितने आप गांव में इलाकों की जहाँ पे हमारे पास पानी का सोर्सेज है, लेकिन वहाँ क्या कि आप 3 फेज लाइट नहीं है, पानी लिफ्ट नहीं होगा, ऊपर से कॉस्टली बहुत होगा, और यहाँ की बात जो सोलर पैनल है उतने शायद कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन यहाँ के सिंपलेस्ट विदाउट यूज़ ऑफ एनी एनर्जी तो आपको ये पानी लिफ्ट करने में कर पाए हैं। और हम देख रहे हैं कि जब वो आपका जो टैंक बना है, जब पानी स्टोर हो रहा है, और बड़े अच्छे ढंग से आ रहा है, और वही आगे जाके सब प्लेटों में लिफ्ट सिस्टम में भी यूज़ हो रहा है। इसलिए क्या कहते हैं, हमारे बाहर पास जितने भी नदी नाले हैं, ये जो नल को यहीं तक सीमित रहेगा, जितने जितने ट्रिब्यूटरी नाले हैं, नदियाँ हैं, जहाँ पानी आपको फ्लो कर रहा है, ये हर जगह बहुत ही कामयाब टेक्नोलॉजी है, और इसको कोशिश करेंगे कि हमारे जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है क्वेस्टा के, कि और जगह इस टेक्नोलॉजी को मल्टीप्लाई करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी किसान बागवानी से लाभित हो सके।